नमस्कार दोस्तों, मैं कुबेर पाटीदार और आप देख रहे हैं विजार्ड एजुकेशनल चैनल। राजस्थान सरकार वित्त निदेशालय कोष लेखा राजस्थान जयपुर। इस वीडियो की सहायता से अपन देखेंगे कि अपन को जो 1 जनवरी 2017 से 30 सितंबर 17 तक का जो एरियर जो है वो जीपीएफ में जमा होना है, जिसमें तीन प्रकार की किस्तें 30% और 40% का, उसमें जो अपना टैक्स डिडक्टेड होना है। अभी तक ये एरियर अपन किसी भी तरह से पे मैनेजर पर भी ऑनलाइन बना नहीं सके हैं, लेकिन इसमें ये आदेश आज जारी हुआ है, जिसमें राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षक वेतन नियम 2017 में दे एरियर पर आयकर कटौती के संबंध में, यानी कि अपन को इनकम टैक्स जो इसमें काटना है उससे संबंधित है। ये विषय अंतर्गत वित्त नियम विभाग के संदर्भित पत्र प्रतिसंलग्न द्वारा राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षक वेतन नियम 2017 के अंतर्गत राज्य कर्मचारी को देय एरियर की राशि में से नियमानुसार आयकर कटौती के पश्चात शेष राशि कर्मचारी के जीपीएफ खाते में जमा किए जाने का प्रावधान पे मैनेजर पर करवाए जाने हेतु निर्देशित किया जाता है, यानी कि पे मैनेजर पर ये अपडेटिंग होना है अभी। इसलिए ये आयकर कटौती वहीं से अपन को डिडक्टेड करनी है। इसके बाद में कुछ पत्रावली है, इसमें वीडियो डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर ली गई है, आप वहाँ से इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एरियर की जो सीमा है वो दिनांक 1/1/17 से 30/9/17 तक देय एरियर राशि में से नियमानुसार आयकर कटौती के पश्चात ही शेष राशि कर्मचारी के जीपीएफ खाते में जमा करने हेतु पे मैनेजर में आवश्यक प्रावधान करें, यानी कि पे मैनेजर में एडिटिंग अभी होनी है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्री है जिसमें अपन को जैसे एम्प्लॉई अप्रूव्ड ऑन आफ्टर 1/1/2004, यानी कि रिटायर्ड कर्मचारी एनपीएस कर्मचारी को तो ये नगद मिलना है, और जो जीपीएफ होल्डर हैं उनके अकाउंट में जमा होना है। कुछ शेड्यूल यहाँ पर दिए हुए हैं आपकी हेल्प है तो इस तरीके से अपन को पे मैनेजर में ये जो अपना किस्त के अनुसार जो एरियर है वो अपन किस टाइप बनाना है अपन को, और कितना उसमें डिडक्शन करना है। ये कुछ छोटी सी जानकारी थी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताई है। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि आपको अगला वीडियो मोबाइल नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। Thanks for watching my video.